अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 27। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये बताना है कि ये फंक्शन ज़ीरो पर कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब इस फंक्शन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 1+3x⁄1x। हम जब इस चीज़ को किसी भी फंक्शन में ये आ जाए, इस तरह की टर्म्स लिखी हों, तो हमें एक चीज़ पता है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हो ज़ीरो को, 1+x⁄1x हो, तो ये हमारे पास e के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पर जब x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, 1+x हो, और ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है इसका रेसिप्रोकल पावर में हो, 1 लाजमी होना चाहिए, प्लस लाजमी होना चाहिए, आगे जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में हो, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में एफ ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे। अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो फंक्शन ई स्क्वायर हमें दे देगा। ओके, हो गया। नाउ हम लिमिट्स फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। अब देखें, ना हमने प्लस लिखा है ऊपर, ना छोटा सा माइनस, यानी कि हम लेफ्ट राइट लिमिट नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं। डायरेक्ट लिमिट तब फाइंड करते हैं जब हमें कन्फर्म हो, जब हमें पता हो कि यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होगी। तो इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी, क्योंकि हमें पता है ये वाली पूरी टर्म को हमने ई फॉर्म में बना देना है, और ई फॉर्म में जब बन जाएगा लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाएंगी। तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से कर रहा है या राइट साइड से कर रहा है, इसका मतलब वो ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1+3x⁄1x। अगर हम अब हमने इसको इस तरह बनाना है, तो देखें एक्स एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1+3x बाहर 3 लिख दें। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा है और बाहर 3 लिख दिया, ये 3 दोबारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/x दोबारा आ जाएगा। अब ये देखें, लिमिट अंदर ले जाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1+3x⁄1/3x, ब्रैकेट के बाहर 3। अब ये पूरी टर्म किसके बराबर आ जाएगी, e के इक्वल, e⁻³। अब देखें, ये e स्क्वायर है, ये e⁻³ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे as f of 0 is not equal to limit x approaches to 0 f of x. So f of x is discontinuous at x is equal to 0. अब देखें क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या ये ज़ीरो पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो हम सिंपल देखें, यहाँ पे भी 1+x रेसिप्रोकल में 1/x, मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म लिमिट अप्लाई करने के बाद e के इक्वल होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ 0। अगर फंक्शन में 0 पुट करते हैं तो इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज़ इक्वल टू 1। नाउ अब हम लेफ्ट राइट लिमिट नहीं फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1+x⁄1x। और हमें इस चीज़ का पता है कि जब भी लिमिट अप्रोच कर जाए 0 को और आगे लिखा हो 1+x और यहाँ पे जो टर्म हो उसका रेसिप्रोकल पावर में हो, तो हम उसको e लिख देते हैं, तो ये पूरी टर्म आ गई e के इक्वल। नाउ हमने लिख दिया, लेकिन ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, आंसर 1 है, और हमारे पास लिमिट e आ गई, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज f of 0 is not equal to limit
एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स. तो सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस लिख लें या नॉट कंटिन्यूस लिख लें. इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो. अब क्वेश्चन नंबर 29 है, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे बताना है कि क्या ये ज़ीरो पे कंटिन्यूस है कि नहीं है. अब देखिए यहाँ पे भी 1 + 2x 1/x लिखा हुआ है. तो अगर हम इसको इस तरह बना दें, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 + 2x है ना, तो 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2x. अगर हम इसको इस तरह बना दें तो ये पूरा का पूरा ई बन जाएगा. तो हम यहाँ पे चेक लिमिट अप्लाई करेंगे. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0. इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर. अब हम फाइंड करते हैं लिमिट. लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एंड फंक्शन इज़ 1 + 2x 1/x. लिमिट x अप्रोचेज टू 0 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 + 2x 1/2x. देखिए 2x का रेसिप्रोकल 1/2x मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ. तो अब ये 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं. हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x 1/2x ब्रैकेट के बाहर 2, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, e, और ये बन गया e स्क्वायर. अब देखें फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन डिफाइंड था और उसका आंसर था ई स्क्वायर. लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर भी क्या है, ई स्क्वायर. तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी होता है कि आप उसे बताएं कि फंक्शन का आंसर और उसकी लिमिट का आंसर दोनों इक्वल आ गए. सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि क्या ये 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है. पिछले 27, 28, 29 क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट x अप्रोचेज 0 1 + x 1/x इस फॉर्म का वैल्यूज नहीं है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट वाला मेथड यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एफ ऑफ ज़ीरो, कि अगर फंक्शन में डायरेक्ट एक्स की जगह पे 0 लिखते हैं तो फंक्शन 0 पर डिफाइन होता है 1, तो ये आंसर आ गया 1. अब एक बात याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, अब इन क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, लेफ्ट और राइट लिमिट से अप्लाई करेंगे. लेकिन 31 क्वेश्चन में और 32 क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई कर सकते हो. 31 में नहीं कर सकते, 32 और 30 में अप्लाई कर सकते हैं. क्यों, देखें इसका आंसर, चले मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं लेफ्ट और राइट लिमिट से इसको सॉल्व करता हूँ. इस पर लेफ्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, फंक्शन क्या लिखेंगे हम, -1/x स्क्वायर. अब देखें यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या कहता है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0 एंड h अप्रोचेज टू 0. इसके बारे में हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं. तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, x h में चेंज हो गया, e की पावर -1/ x स्केयर की जगह पे अब आ जाएगा 0 - h² लिमिट h अप्रोचेज टू 0 e की पावर -1/h² माइनस का स्केयर प्लस ही होता है. अब देखिए क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, नहीं, यहाँ पे -1/x² था, यहाँ पे -1/h² है. इसी तरह जब आप राइट लिमिट फाइंड करेंगे, 0 + h पुट करेंगे, तब भी -1/h² ही आएगा.
तो मतलब ये है कि जब आप लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट पुट करेंगे, पुट तो आपने एक्स की जगह पे करना होता है, तो जब भी क्वेश्चन में एक्स की स्केयर हो तो आप लेफ़्ट और राइट लिमिट से ना भी करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट मेथड मैं फ़ौरन इसके बाद आपको बता देता हूँ, अगर किसी ने देखना हो तो वो देख ले। अब देखें, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ई की पावर माइनस वन ओवर ज़ीरो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? देखें, अगर इसे अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो किसी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और आंसर आ जाए ज़ीरो, और अगर किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हम डायरेक्ट क्या पुट कर देते हैं? ज़ीरो। अब देखें, फंक्शन और उसकी लेफ़्ट लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं आई तो हमें राइट लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आए। तो हम सिंपल यहीं पर लिख देंगे कि एज फंक्शन में जब ज़ीरो पुट किया है उसका आंसर, और लेफ़्ट लिमिट जो हमने निकाली है उसका आंसर, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैंने कहा था डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट में आपने यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट ये वैल्यू लिखनी है और डायरेक्ट इसके अंदर ये वाले स्टेप नहीं करने, ना ये स्टेप करना है, ना ये स्टेप करना है, ना ये स्टेप करना है, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप करना है, ये तीन स्टेप करके आपने कहना है, और यहाँ पे भी माइनस आपने नहीं लिखना, ठीक है? तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा।